तो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल बिहारी व्लॉग्स। तो आई होप सब के आप सब बढ़िया ही होंगे। ओ माय गॉड, क्या निकला हूँ भाई। तो गाइस मैं जा रहा हूँ आज थोड़ा सा, कहाँ जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इंदर लोग जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वहाँ पर काम है। और आप सबके लिए एक प्यारा सा बॉम्स अप ब्लॉग भी बन जाएगा, तो यार आप लोग सब्सक्राइब कर देना बढ़िया सा, डेंजरस तरीके से। थोड़ी सी हाइपर राइड होगी, एकदम खतरनाक वाली बॉम्ब वाली हाइपर राइड करेंगे, आप सबके लिए प्यारा सा बॉम्ब सा ब्लॉग भी बन जाए, एकदम खतरनाक सा। चलो भाई, तो देखो भाई, वो उछल गई है स्कूटी। गाँव माता बीच में नहीं आता, क्या करते गाँव माता। अब कौन फोन कर दिया, फोन आ रही है भाई लोग किसी का। तो भाई लोग फ़ोन आ गया था यार रास्ते में, साइड में रोक के फ़ोन से बात कर लिया। अब निकलते हैं बाहर बनी हेलमेट के साथ। देखो परछाई में बनी हेलमेट पहन रखा हूँ मैं, ख़तरनाक वाली। थोड़ा जा रहा हूँ इधर लोग पार्टी वाले के पास काम है। और आप सबके लिए प्यारे से बॉम का ब्लॉग भी बन जाएगा ख़तरनाक तरीके से। यार आज दिल्ली में इतना जाम है ना भाई, मेरे घर के साइड बहुत ख़तरनाक जाम पड़ा हुआ है, बहुत जाम है भाई, बहुत जाम है। इतना जाम ना लाल होते ही ख़राब रखी है। चेक करो अंकल जी का रिएक्शन। अंकल जी सोच रहे होंगे क्या लगा रखा है, अंकल जी आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या लगा के घूमते हैं अंडसंड। तो यार मैंने एक माइक मंगाया है, वो माइक आएगा तो आप सबको दिखाऊंगा तो कौन सा माइक है वो, क्योंकि इसमें पता नहीं नॉइस आ रही है ज़्यादा, क्योंकि हवा चल रही है ना तेज, तो नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही होगी, इसीलिए माइक मंगाया मैंने एक एक्स्ट्रा। उसके साथ एक केस भी फ्री दे रहा है, क्या कर रहा है वैगनर वाला बेवकूफ़। देखो भाई हम ऐसे वोट देंगे केजरीवाल को, रोड पे गड्ढा करवा के बस छोड़ दिया भाई, जो होगी देखी जाएगी रहन दो। मुझे यहीं से मुड़ना है, इसको पता नहीं कहाँ मुड़ना है, समझ नहीं। हम तेरी दीवानगी में पागल हुए। तो यार आप लोग सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, आप लोगों को थोड़ा सा भी मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। तो थोड़ी हाइपर राइड करूँगा आज, अंकल को रिएक्शन चेक करो, खतरनाक वाले। अंकल सोच रहे क्या लगा रखा है अंकल सोच रहे क्या लगा रखा है, अरे भाई क्या लगा रखा है, हेलमेट लगा के चलते हम भाई। वो दोनों बंदे को देखो, वो बंदा दोनों आगे निकल गया, उसके साथ रेस लगाऊंगा मैं। उस दो बंदे थे भाई पीछे मुड़ के देख रहा था, उन दोनों को पीछे कर दो, चेक करो कैसे चल रहा हो वहाँ पे भाई, हेलमेट भी नहीं पहन रखा है बेवकूफ़ की तरह चला भी रहा है और हेलमेट भी नहीं पहन रखा है, सही बता रहा हूँ। हेलमेट पहन लेता भाई कम से कम। ये चेक करो कहाँ चल रहा है वो बंदा, बेवकूफ़ की तरह पागल की तरह चला रहा है वो बंदा। अरे बत्ती हो गई, देखना वो बंदा कहाँ मिलता है। ये देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यही है, यही है वाइट टी शर्ट वाला दीदी का रिएक्शन चेक करो, खतरनाक वाले बाइक पे बैठी हुई दीदी देख रही है कितनी बढ़िया से। ओ भाई कहाँ से निकला मैं यार, क्रेजी निकल गया मैं इधर से तो भाई ऐसे जाम में हम ऐसे निकलते हैं भाई लोग, हमारा काम ही वही है। ऑटो उधर रहा है, नहीं आता। आ चुका हूँ अपनी लैंड अपनी पोजीशन पे, थोड़ी सी हाइपर राइड करूँगा गजब वाली। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई लोग, आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोगों को सब्सक्राइब करने में 1 रुपये नहीं लगेगा ब्रो, आप लोगों को खाली ओनली क्लिक करना बस। अब वीडियो रोज़ आएगी, वीडियो रोज़ देखा करो,
खतरनाक तरीके से। बोम बोम ब्लॉग सुनाऊंगा आप सबके लिए। प्यारा प्यारा आगे जाम पड़ा हुआ है, कहाँ से निकलूँ मेरी जान। कोई नहीं, देखते हैं, विल ट्राई इट। कहीं से भी निकल जाता है यार, जाम क्यों लगा हुआ है आज। ट्रैफिक वाला है भाई, कहीं पकड़ ना ले भैंस की टांग, निकल लो। पकड़ लिया था, मेरे पास ना लाइसेंस है, ना लर्निंग है, ना फलाना डिमका, कुछ नहीं है मेरे पास। पकड़ लिया था, पकड़ा जाएंगे, क्या हुआ। कितनी लंबी जाम लगी पड़ी है बे, तगड़ी जाम है यार। दिल्ली के अंदर आओ, जाम ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे जान, बेकार सा है। तो गाइस, मैं आया था आज थोड़ा पीरागढ़ी से मैं इधर आ ही रहा हूँ। मैं रास्ते में ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इतना जाम था भाई, हद हो गई यार। मेरे को टाइम देखो भाई, मैं नेट 12 बजे निकला था, 1:20 हो रहा है। सोचो स्कूटी पे मैं फिर भगाता हूँ, फिर भी भैंस की टांग, इतना लेट लग गया, बताओ। तो यार अब चलते हैं घर, घर पे जाके खाना खाएंगे। चाबी कहाँ चली गई? अच्छा, मेरे जेब में। मैं बनी हेलमेट पहन रखा हूँ, बनी हेलमेट का रिएक्शन आएगा तो ले लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अब निकलते हैं यहाँ से घर। और तेल का बत्ती देखो बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं पीरागढ़ी से, बहुत जाम लगता है पीरागढ़ी में भाई, बहुत जाम। तो अब निकल चुका हूँ घर के लिए, आधा रास्ता तो फिर भी आ चुका हूँ, आधा रास्ता बाकी है। निकलते हैं फिर फटाफट घर, थोड़ी हाइपर राइड के साथ। तेल भी नहीं है, बस ये डर है कि रास्ते में तेल बंद ना हो जाए, मतलब गाड़ी बंद ना हो जाए। तेल बोल रहा हूँ मैं, गाड़ी बंद हो जाएगी ना फिर दिक्कत हो जाएगी। या तो जब राइड करते समय ना फोकस रहता है राइड पे, बोलने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, सही बता रहा हूँ। निकल ऑटो जल्दी, पागल है ऑटो वाला, इधर ही काट रहा था बेवकूफ। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना भाई, मैंने आज ग्लव्स और ये सारे गेयर्स पहन लिए जो भाई कोई दिक्कत ना हो जाए। इसलिए कभी भी चला करो ना रोड पे, सेफ्टी के साथ चला करो भाई लोग। कहाँ मौत हो जाए कोई पता नहीं, क्या समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। जैसा कि ये देख लिया आपने, क्लोज कॉल कितना ख़तरनाक था। मैं अभी रोहिणी भी गया था, रोहिणी से पीरागढ़ी, अब पीरागढ़ी से अब घर जा रहा हूँ मैं। पीरागढ़ी यही नहीं है भाई, पीरागढ़ी बहुत दूर है यार। लोगों को लगने में लगता है भाई पीरागढ़ी यही है, भैंस की टांग कम से कम 8-10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर आने में, 10 किलोमीटर जाने में। एम्बुलेंस फंसी हुई है भाई अब जाम में, वह निकाल ले, एम्बुलेंस फंसी हुई है बेवकूफ़ लोगो, क्या कर रहे हो। अब साइड ले ले भाई, एम्बुलेंस आ रही है, हरी बत्ती हो रखी है देखो सामने, लेकिन फिर भी नहीं जा रहे। एम्बुलेंस पीछे फंसी हुई है भाई लोग, नहीं क्या कहे यार, हमारे बस की बात तो है नहीं जो मैं जाम छुड़ा दूँ, साइड करवा दूँ सबको। चलो आंटी जी, तो यार भाई लोग आ चुका हूँ मैं पंजाबी बाग सामने, ये शिवाजी पार्क है और आगे से मुड़ के होगा पंजाबी बाग। थोड़ा हाइपर राइड करते हैं, हम निकलते हैं। अच्छा ये बताना माइक का वॉइस कैसा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने नया माइक लगाया है बढ़िया वाला मंगवा के। निकलते हैं यार फटाफट, फट क्लोज चेक कर रहा भाई, भाई का देखो कौन उगता है लाल बत्ती पे। निकल लो ना,
फटफट निकल लो तुरंत ही तुरंत, टाइम ना लगा करो कहीं भी। जाम में मैं फंसता हूँ ना भाई लोग, जाम में तुरंत ही निकल जाता हूँ मैं, टाइम ही नहीं लगता है। क्योंकि भाई स्किल्स है ना, अपना स्किल्स वहाँ यूज करो, ये नहीं कि भैंस के टांग रोड खाली रोड में यूज करो, वहाँ नहीं, जहाँ जाम लगे वहाँ यूज करो। जैसे कि देखो यहाँ जाम लगा हुआ है, मैं अपने स्किल्स का यूज करके साइड साइड से कहीं ना कहीं से निकाल ही लूँगा। ये देखो यहाँ आ गया मैं, पीछे वाले पीछे ही रह गए, उनमें उतना दिमाग कहाँ है जो निकल ले। जैसे कि इस बीच से निकलना रिस्की है। रिस्क लेना है लाइफ में, रिस्क लोगे तभी जाके आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो हमेशा का हमेशा वहीं रहोगे। रिस्क लिया करो हमेशा लाइफ में। मेरा जो ये माइक लाया ना मोटा वाला, बहुत मोटा है यार। अब आज की क्वालिटी बताना और नॉइस बताना, नॉइस बाहर का आ रहा है या नहीं, क्योंकि माइक तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके अपने आप सुना था, माइक मेरे को बढ़िया लगा था। अब मैं करता हूँ स्कूटी पे ब्लॉग, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो यार भाई लोग। लड्डू बनना चल मेरी जान, स्प्लेंडर जाम लग जाती है, यही दिक्कत होती है, फंसे रहो। साइड से निकल गई, चेक कर रहा तो भाई पीछे तगड़ा स्लिप मार गया यार। पूरा टायर नच गया था। फोन भी आ रहा है किसी का। ओ माय गॉड क्या निकला हूँ भाई, रत्ती भर का जगह था यहाँ पे भाई लोग। फोन भी आ रहा लेकिन क्या करे, दोबारा फोन नहीं करेगा ये। जल्दी चल मेरे जान, चलो भाई। राइडर से हमेशा दो कदम दूर ही रहा करो भाई, राइडर है ना कहीं भी मोड़ लेता है अपना, कहीं भी रास्ता निकाल लेता है राइडर। कार वाले उधर ले ले। मैं ऐसे बोल रहा हूँ हेलमेट में से कि उधर ले लेगा वो। हद हो गई यार भाई, तेल बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, फिर भी मैं 60-70-80 पे चला ही रहा हूँ। सामने देख रहे हो बुर्ज खलीफा, वो बहुत दूर दिखेगा आपको कैमरे में। तो भाई मैं मेरे पास कैमरा वैमरा ना है, मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन से ही शूट करता हूँ भाई लोग, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करें, क्या करो यार जो मैं कैमरा ले पाऊँ, एक मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। इतनी बड़ी धूप में भाई मैं पहन रखा हूँ बाइकर हेलमेट एकदम ग्लव्स सारे चीज़ पहन के फिर जाता हूँ, इतनी गर्मी लगती है ना भाई लोग कि पूछो मत यार। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी लाइफ का कुछ ना कुछ आप लोगों को थोड़ा भी बहुत पता चल सके जो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, जो भाई हाँ भाई ब्लॉगिंग ऐसे करनी है, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, हर चीज़ आपको पता चलना चाहिए। चाहे आप लोग जहाँ से देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो, इंडिया से बाहर से कहीं भी से भी देख रहे हो, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना। चढ़ जाएगी ऊपर, मैं तो चढ़ा ही लिया भाई, और यहाँ से नीचे उतारूँगा फट से, खट देने आवाज़ आएगी। चेक कर रहे हो, चलो भाई निकल गए भाई लोग। लाल बत्ती चारों साइड हो रखी है फिर भी हम निकल चुके हैं। तो भाई लोग इस ब्लॉग को ना अगर थोड़ा सा भी मज़ा आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई लोग। मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।